Hello everyone, happy Dashara to all of you. Welcome on our YouTube channel on English Learner. This is Madhuri Chaurasia in front of you, and in this video I am going to share with all of you the second use of would. Hope that you are going to watch this video till last. But before that, I want to tell you that I have changed the name of this channel, and I know that I should have not done that thing, because this is not only my channel. I'm yet feeling something, you know, regretting kind of thing, because I have said that I want to change the name of this channel when we become the family of 1000, means that 1k. But पता नहीं वो कब होगा. तो मैं मुझे लगा कि ये ज़्यादा बेहतर है, ये रखना चाहिए English learner, because I am learning. मैं सिखा रही हूँ तो मैं सीख भी रही हूँ बहुत ज़्यादा. तो ऑफ कोर्स दैट आई एम लर्निंग दिस लैंग्वेज एंड ट्राइंग टू शेयर सम नॉलेज विद ऑल ऑफ यू. तो इंग्लिश लर्नर इज़ द बेस्ट नेम फॉर आर चैनल, फॉर दिस फैमिली मेम्बर्स, ये ज़्यादा बेहतर है. तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि 10 मिनट का ही रहता है, तो मुझे लगता है ज़्यादा यूटिलाइज कर लेना चाहिए. देखिए सेकेंड यूज़ क्या है, वुड का सेकेंड यूज़ है यूज़ टू इज़ इक्वल टू वुड. ठीक है, ये याद रखिए, यूज़ टू इज़ इक्वल टू वुड. यूज़ टू का मतलब होता है किया करता था. याद रखिए कि कोई भी काम आप पास्ट में किया करते थे, और अब उसका कोई भी मतलब कोई उससे रिलेशन नहीं है. बस आप कोई काम पास्ट में किया करते थे और अब वो नहीं करते हैं, तो वो यूज़ टू के सेंस में बोला जाता है. उसी के इक्वल वुड भी आप कह सकते हैं. पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि विल जो होता है उसके जगह आप वुड भी यूज़ कर सकते हैं. वो एक थोड़ा सा फॉर्मल होता है, अच्छा होता है. इस वीडियो में यूज़ टू इज़ इक्वल टू वुड है. तो देखिए, ये जब भी आपको बोलना होगा कि मैं कोई काम किया करता था, तो आप सिंपल बोलते हैं आई यूज़ टू डू. आई यूज़ टू डू मीन्स दैट नाउ यू आर नॉट डूइंग दैट थिंग. तो आप सिंपल उसके जगह ये भी बोल सकते हैं आई वुड डू, आई वुड डू. लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रही होगी, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ. आई यूज़ टू रिस्पेक्ट हर. तो यहाँ पे ये भी होगा आई वुड रिस्पेक्ट हर. आई यूज़ टू रिस्पेक्ट हर, मैं उनकी सम्मान किया करती थी. और आई वुड रिस्पेक्ट हर, इसका मतलब भी वही होता है कि मैं उनकी उनका जो उनकी सम्मान किया करती थी. चूँकि मैं लड़की हूँ, तो आई एम ट्राइंग टू स्पीक लाइक अ गर्ल. लेकिन आप लोगों के माइंड में ये डाउट आ रही होगी कि कब ये विल का वुड होगा या कब यूज़ टू होगा. तो चलिए मैं ये बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ. डाउट नहीं भी आ रही होगी तो जानने की ज़रूरत है कि कब यूज़ टू. मैं दो यहाँ पे एग्जांपल आप लोग के लिए देती हूँ, ठीक है. मैं दो एग्जांपल देती हूँ. When I go to my house, my grandpa tell me, यहीं लिख देती हूँ, a story. And the second one is when he was alive, देखिए आप दोनों ही सेंटेंस को गौर से पढ़ने की कोशिश कीजिए. मैं पढ़ के दिखा देती हूँ. When I go to my house, जब मैं घर जाऊँगी, क्योंकि देखिए मैं जब पढ़ाऊँगी ना ग्रामर,
तो आपको बता दूंगी कि कुछ ऐसे वर्ड्स है जिसके बाद विल नहीं आता है। अगर विल आता है तो उसको एक स्टेप करके प्रेजेंट में लिया जाता है। चलिए उतना नहीं, व्हेन आई गो टू माय हाउस, जब मैं अपने घर जाऊंगी, माय ग्रैंडपा वुड टेल मी अ स्टोरी, मेरे जो दादा है या नाना है वह मुझे एक कहानी सुनाएंगे, बताएंगे। इसका मतलब होता है व्हेन ही वॉज अलाइव, जब वह जिंदा था, माय ग्रैंडपा वुड टेल मी अ स्टोरी, जब वे जिंदा थे तो मेरे जो दादा थे वो मुझे एक स्टोरी सुनाते थे, सुनाते थे, बताते थे। अब देखिए ये जो पार्ट है इन दोनों का डिट्टो है, एकदम डिट्टो। अगर मैं क्या कहूँ, यदि मैं आपको कहती हूँ कि ये पीछे वाला आगे वाला सेंटेंस है जो नहीं है, डायरेक्ट ये पीछे वाला है, तो क्या आप लोग कुछ अंतर फाइंड कर पाएंगे? कोई भी अंतर नहीं फाइंड कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो देखिए, जब भी आपके मन में ये डाउट आता है कि कब पता करें कि किसका क्या है, वुड का फॉर्म सॉरी विल का वुड फॉर्मल है या यूज़ टू का है, यानी कि विल के लिए यूज़ किया गया वुड या फिर यूज़ टू के लिए, तो याद रखिए जब भी आपको ऐसा लगे तो जो सेंटेंस होता है ना उसके पहले आने वाला जो सेंटेंस होता है वो डिफाइन कर देता है, वो बता देता है कि ये वुड के लिए यूज़ किया गया है या यूज़ टू के लिए यूज़ किया गया है। तो जब भी इस तरह का सेंटेंस रहेगा तो उसके पहले वाले का कंडीशन देखना है कि किस तरह का सेंटेंस है, वो आपको बता देगा। देखिए यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करती हूँ, व्हेन आई गो टू माय हाउस, व्हेन आई गो टू माय हाउस, जब मैं जाऊँगी, ये आपको क्या बता रहा है, जब मैं जाऊँगी या जब मैं जाती हूँ। व्हेन आई गो टू माई हाउस, माई ग्रैंडपा वुड टेल मी अ स्टोरी। यहाँ पे ना पास्ट का जिक्र है ना किसी और चीज़ का, आपको ये पता चल जा रहा है कि ये प्रेजेंट में है। वो अलग बात है इसका हिंदी कुछ और होता है, लेकिन इतना तो आप पता लगा ले रहे, गो यानी ये फर्स्ट फॉर्म है तो इससे पता चल जा रहा है कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, इतना तो आप पता कर ही ले रहे होंगे। इससे ये पता चल जाता है कि ये जो है ना वुड वो विल के लिए यूज़ किया गया है। When I go to my house, my grandpa would tell me a story. मैंने पिछले वीडियो में बताया कि will के लिए यूज़ किया जाता है would, ताकि वो थोड़ा ज़्यादा respectful हो, अच्छा हो। तो ये बता दे रहा है कि ये किसके लिए यूज़ हुआ, तो यहाँ पे ये will के लिए यूज़ हुआ है। will का है ना जो would होता है वो वाला यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे देखिए when he was alive, ये क्या बता रहा है, सेकेंड फॉर्म, ये सिंपली बता रहा है कि ये पास्ट का सेंटेंस है। जब ये पास्ट का है तो सिंपल सी बात है कि आने वाला भी यूज़ टू ही होगा। When he was alive, जब वह जिंदा थे, my grandpa would used to यहाँ है, ठीक है, used to। इससे पता चल जा रहा है कि ये पास्ट का सेंटेंस है, तो आप ये तो नहीं बोलेंगे ना कि जब वे जिंदा थे तो मुझे एक कहानी सुनाएंगे। How is this possible? What's rubbish? ये संभव ही नहीं है, जब वह जिंदा थे तो मुझे एक कहानी सुनाएंगे। अगर आप ट्रांसलेशन पे जाएंगे तब जो ट्रांसलेट कर करके सीखते हैं या सिखाते हैं उनके लिए यहाँ पे दिक्कत है, और ना मैं ऐसे बोलने वाली हूँ कि हाँ सब्जेक्ट है ये, प्रेडिकेट है, और ये क्या है पता नहीं ग्रामर का, वैसे भी नहीं, ठीक है। समझिए ये पास्ट का है तो सिंपल सी बात है कि आने वाला भी जो रहेगा करेक्ट कनेक्ट करने के लिए वो पास्ट वाला ही होगा। ऐसा तो नहीं संभव है ना कि कोई व्यक्ति जिंदा था और कहानी अब सुनाएगा, हाउ इज़ दिस पॉसिबल, संभव ही नहीं है। तो देखिए यही आपको बता देगा इसके आने वाला, नोट कर लीजिएगा नोट में ऐसा कर लीजिएगा कि जब भी पता करना हो कि विल के लिए, जब भी पता करना हो कि वुड किसके लिए यूज़ हुआ, विल का फॉर्मल या यूज़ टू के लिए, तो उसके आने वाले पहला जो सेंटेंस होगा उसके बिफोर उसको पढ़ के देख ले एक बार, तो उससे पता चल जाएगा कि किसके लिए यूज़ हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये समझ गए होंगे दो एग्जाम्पल से। आई नो दैट इट्स नॉट पॉसिबल, बट we have only 10 minutes and in 10 minutes I have to do that all thing, because 10 minutes से ज़्यादा यदि मैं वीडियो बनाती हूँ तो not possible to upload, बहुत नेट लेता है और मुझे पढ़ना भी होता है तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। Hope that I was able to make you understand this topic, and in next video I'm going to discuss with all of you the uses of wood, तो तीसरा होगा वो मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो तब तक के लिए अलविदा, पढ़ते रहिए। उम्मीद करती हूँ कि टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। कैसा लगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अपना रिव्यू देना ना भूलें, मुझे अच्छा लगता है कमेंट पढ़ना और उसका रिप्लाई देना भी। बाय, अपना ख्याल रखें।